हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय सिंधी। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। जैसे नंबर सिस्टम में हमने चार तरह के नंबर सिस्टम देखे थे, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी देख लिया था। उसी तरह से हमने बाइनरी से ऑक्टल देख लिया था, बाइनरी से हेक्साडेसिमल देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमको इस लेक्चर में देखना है कि कैसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे। और हमने बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर लिया था। और साथ में मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक के सभी के बाइनरी नंबर भी लिखाए थे। लास्ट लेक्चर आप देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्टल नंबर लेते हैं, उस ऑक्टल नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए। अब क्या करते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए 100 है। 100 नंबर जो है वो डेसिमल में नहीं है, ऑक्टल में हम कहते हैं। तो देखिए, ये 100 जो है, ये इसका जो बेस है वो 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर से हमको हेक्साडेसिमल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले अब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। या तो हम ऑक्टल से हम उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, और उस बाइनरी से फिर हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें, तो हमारा काम हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। या फिर हम लोग ऑक्टल से पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें उसको, और डेसिमल से कैसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ये भी मैंने आपको बताया था 16 के डिवीजन से करके, ये भी आप देख सकते हैं। या फिर डेसिमल से फिर आप क्या करिए, बाइनरी से कन्वर्ट करिए, देन बाइनरी से देन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, ये भी एक टास्क है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट ही किसी भी नंबर को पहले हम क्या करते हैं, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ये AL है, हेक्साडेसिमल। ओके, तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। विद इन इसमें आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को आराम से कर दो, कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। आप जैसे कैसे करते हैं जरा देखते हैं। मैं 100 को, अब देखिए 100 में कितनी संख्याएं हैं जरा हम देख लेते हैं। 100 में हमारे पास 3 संख्याएं। ये 100 जो है ये वो वाला 100 नहीं है, ये ऑक्टल में है और ये जो ऑक्टल है। अब मैंने आपको बताया था किसी भी बाइनरी नंबर को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, बाइनरी से जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो हमने 3 के पेयर लिए थे, याद है आपको, हमने 3 के पेयर लिए थे। अब हम क्या करते हैं, हर नंबर को ऑक्टल के 3-3 डिजिट्स में लिखते हैं। जैसे 1 है, 1 को लिखने का तरीका क्या है, 3 पेयर्स में 001। मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं, 001। 0 कैसे लिख सकते हैं, 0 को 3 डिजिट्स में 000, और इस 0 कैसे लिखेंगे, देन अगेन 000। तो स्टूडेंट, ये ऑक्टल नंबर को हमने बाइनरी में लिख लिया। अब कोई कहेगा कि भाई आपने लेफ्ट हैंड साइड में 20 बढ़ाया, हाँ बिल्कुल बढ़ाया, क्योंकि ये जो 1 को लिखने का तरीका है 3 के पेयर में 001 होगा, देन 00 और देन अगेन 00। अब ये नंबर जो है हमारा वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए हमने क्या किया था, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए हमने 4-4 के पेयर बनाए थे। आपको याद होगा, आप देख लीजिएगा लास्ट के वीडियोस में, आपको पता पड़ जाएगा 4-4 के पेयर हमने बनाए थे। अब हम सेम यही करते हैं, 4 का पेयर बनाने के लिए ये 4 आ जाएंगे, 4 जीरोस आ जाएंगे, और इसको पेयर को बनाने के लिए हमें 1, 2, 3, 4 ये आ जाएगा। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर बाद में हटा सकते हैं। तो आप जब इसको आप ऐसे लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा ये नंबर, ये हो जाएगा 0100000। अब इसे कैसे लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 4 होता है, आप इसको 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 0 होता है 40। ये आपका हेक्साडेसिमल हो गया, किसका हो गया, 100 से 40 बन गया। तब बेस 8 था, अब बेस 16 है। मैं फिर से आपको बताता हूं, आपने 100 लिखा, 100 को 3-3 के पेयर में लिखते हैं, हर डिजिट को 3-3 के उसमें लिखते हैं हम लोग। यानी अगर 4 को लिखना है तो कैसे 4 को लिखेंगे, तो एक एग्जांपल जैसे 1 है, 1 को लिखने का तरीका 010,
उसी तरह जीरो करके लिखने का तरीका जीरो जीरो जीरो, उसी तरह से ये जीरो जीरो। अब आगे के मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कैसे कैसे करना है जरा आप लोगों को मैंने ये एग्जांपल दिया। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। ये जो लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा लिखा रहने दीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो किसी भी नंबर को ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, देन बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, बहुत ईजी होगा। चलिए एक नंबर और लिखते हैं, हम लिखते हैं 1002। ये एक नंबर है 1002 और इसका जो बेस है वो एक है, इसको लिखते हैं हम। तो इसको लिखने का तरीका अब देखिए, ऑक्टल में जैसा बताया हर डिजिट को हमें, हर डिजिट को हमको तीन के पेयर में लिखना है, जरा ध्यान रखिएगा। अब जैसे 1002 को आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे लिखते हम। चलिए इसको थोड़ा रब कर देते हैं कि ये स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमको। चलिए अब हम क्या करते हैं, 1002 को लिखना है। तो 1 को लिखने का तरीका तीन में कैसे लिखेंगे, 001। चलिए इसको मैं आपको बताता हूं, 001। 0 को लिखने का तरीका 000, देन अगेन 0 को लिखने का तरीका 000, और लास्ट में क्या हुआ 2, और 2 को लिखने का तरीका क्या होगा 010, 010। ओके चलिए ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये नंबर हमारा बाइनरी में लिख लिया हमने, अब इसको हमें हेक्साडेसिमल करना है। हेक्साडेसिमल क्या करना होता है, चार के पेयर बनाने हैं, तो चार के पेयर बनाते हैं। ये 4 का पेयर हो गया, 1 2 3 4, देन अगेन 4 का पेयर हो गया हमारे पास, और लास्ट में ये 4 का पेयर हो गया। अब इसको लिखते हैं हम लोग। तो इसको लिखने का तरीका कैसे है, 0010, देन ये वाला अगेन 0000, और ये वाला 0010 लिख लिया जब हमने। अब इसको लिखेंगे तो क्या ये क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे आप, इसको कहेंगे 2, इस 4 0 की जगह 0 ये वाला, और ये अगेन 2 आ जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 202, और इसका जो बेस होगा वो होगा 16। तो कितना इजी है, किसी भी नंबर को ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करिए, मैंने बताया था कैसे भी कन्वर्ट करना ऑक्टल से बाइनरी में, और बाइनरी से फिर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक था इसमें, अब हम और एग्जांपल लेते हैं, आपको और भी आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक छोटा सा नंबर है 15 लेके देखते हैं। अब आपको एक बहुत इजी लिखते हैं 15, सपोज करिए कोई नंबर है 15, एक ऑक्टल में है, हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले 1 को लिखते हैं, 1 को लिखने का तरीका तीन के पेयर में 001, 5 को लिखने का तरीका 101, 101 हो गया। अब हमें इसको चार के डिजिट में लिखना है, क्योंकि हमने ये बाइनरी नंबर हो गया, इसको चार के डिजिट में लिखेंगे तो क्या होगा, एक ही बार में चारों सेलेक्ट हो गए, लेफ्ट हैंड वाले का कोई मतलब नहीं है, तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 1101। इसे क्या कहेंगे हम, ये हो गया 8, 8, 4, 12, 12 और 1, 13। अब 13 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, डी से शो करते हैं। तो 15 जो कि ऑक्टल में था डी लिख दिया, और ये जो इसका बेस है ये है 16 इसका बेस है, तो उस नंबर का डी हमने कन्वर्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट, चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, जिससे क्योंकि आप क्या करिए एग्जाम के लिए, आप जितने एग्जाम्पल आप करेंगे किसी भी नंबर को करने के लिए, आप उतना ही उसको अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इसको भी रब कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी नंबर को ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तीन तीन के पेयर में लिखिए उसको, और फिर बाइनरी से उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए चार चार के पेयर में लिख दीजिए, बहुत इजीली ये हो जाएगा। चलिए एक नंबर लेते हैं 71 लेते हैं, इसका ऑक्टल नंबर, ये ऑक्टल नंबर है, इसका जब हम लिखेंगे बाइनरी में तो 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 को लिखने का तरीका 1 1 1 1 1 1 1, 1 को लिखने का तरीका 0 0 1। ओके ये हो गया।
चलिए इसको चार में कन्वर्ट करते हैं, चार के पेयर में, ये चार पेयर हो गए। अब देखिए इसके ये दो रह गया, केवल इसके पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं आगे दो जीरो ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0011 एंड 1001, ये नंबर हो गया। इसको लिखने का तरीका देखते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं इसको, लिखने का तरीका है ये हो जाएगा हमारा 213, ये हो जाएगा 8 and 1 39, तो 71 को हमने लिखा इक्विवेलेंट 39 के, हेक्साडेसिमल में है, तो ये भी बहुत इजी है और आंसर हो गया, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा जो जो मैं बता रहा हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं एग्जांपल, तो इसको रब कर देते हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि आपको एक बार लिखने का तरीका पता पड़ जाएगा तो आप जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। अब लिखते हैं हम 64 को, 64 इसका बेस 8 है, अगेन हम क्या करते हैं 6 को लिखते हैं और 4 को लिखते हैं, तीन तीन के पेयर में। 6 को लिखने का तरीका 1 1 0, 4 को लिखने का तरीका 1 0 0 1 0 0, ओके। अब हमने क्या किया, ये नंबर बाइनरी में बन गया, अब इसको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए चार चार के पेयर में, ये 4 का पेयर हो गया, और अगेन कोई आगे हम नंबर हमारे पास नहीं है तो हम दो जीरो ऐड कर देते हैं, ये चार नंबर हमारे हेक्साडेसिमल हो गए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 0011, इसको लिखेंगे हम क्या करेंगे 3 लिख सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका 0100 को क्या करेंगे हम 34, तो ये नंबर हमारा जो है 64 से 34 हो गया, डिफरेंट नंबर सिस्टम के अंदर 34 हो गया, ओके। तो ये हो गया, एक एग्जांपल और लेते हैं, हम लिखते हैं 125 को, चलो इसको लिख रहे हैं 125 को लिखते हैं हम, और इसका भी बेस क्या है 8 है, यानी इस पेपर में हमने जिस लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं हमने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना ये देखेंगे, प्रोसेस सेम रहेगी। 1 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 को लिखने का तरीका 001, देन 2 को लिखने का तरीका 010, और 5 को लिखने का तरीका 101, देन अगेन चार चार के पेयर में लिखते हैं, पेयरिंग बनाना राइट हैंड साइड से स्टार्ट करिएगा, ओके राइट हैंड साइड से, आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 101। अब देखिए सारी डिजिट आ गई हमारी, अब इस जीरो को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर जीरो रखता है कोई मैटर नहीं करता उसका, तो ये हो जाएगा 0101, ये हो जाएगा 0101, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 55, यानी 125 को हमने 55 में कन्वर्ट कर दिया। मैं फिर से बोलता हूं, जो आपको पेयरिंग बनानी है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, जरा ध्यान रखिएगा, पेयरिंग करना हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और देन अगेन लेफ्ट में जाते हैं, बट आप नंबर किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं भले वो लेफ्ट में हो या राइट में हो। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना होगा ये देखेंगे, और साथ में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और भी दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप उनको करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी संदीप 2006@gmail.com पे मुझे मेल करके ले सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।